रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन KGF चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन सीन. मतलब रॉकी का इंट्रोडक्शन सीन नहीं है, उसकी चाइल्डहुड का इंट्रोडक्शन सीन है. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नेको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. पहली बार उससे सामना हुआ, उसकी कोई खबर लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका कोई भी जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं होना चाहिए. हमारा हुक्म है कि फौज को वहां भेजो. हम इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द को मारने के लिए मौत का फरमान जारी कर रहे हैं. सबसे बड़े दहशतगर्द. कितना बकवास है, आखिर कोई इतना वाहियात कैसे लिख सकता है? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई लेखक इतना मशहूर होकर ऐसा कैसे लिख सकता है. ये किताब बाजार में आने वाली थी, पर सरकार ने इस पर पाबंदी लगाकर इसको नेस्तो नाबूद कर दिया. पुलिस अफसरों को बहलाकर हम ये किताब यहाँ तक लाए हैं, और मालूम है बस ये आखिरी किताब बची. दीपा, आनंद को बुलवा लो. सर, हम जानते हैं वो बेहतरीन पत्रकार है, लेकिन इस किताब में लिखी हुई बातों पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है. मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है और लेट होना मुझे जरा भी पसंद नहीं. अगर सरकार पाबंदी लगाकर इसे जब्त करने में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है तो इसमें कुछ राज तो जरूर है. हम इस चैनल के मालिक जरूर हैं, पर इसका वजूद सिर्फ तुम ही से है. इस बारे में तुम्हें गौर करना चाहिए. वैसे तकरीबन 50 बरस से हम आनंद से वाकिफ हैं. वो कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचता है. इस किताब में कुछ तो हकीकत है. मैं सिर्फ आधे घंटे का वक्त दे सकती हूँ, उसके बाद इस काम के लिए किसी और को तलाश कर लीजिए. आधे घंटे का? सुनो शाम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो. सबको बाहर भेज दो. आइए आइए, बाहर तशरीफ ले जाइए. आइए, इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए. हेलो, हम लोग पत्रकार हैं. बाल की खाल निकाल कर मामले की तह तक पहुंच जाना हमारी फितरत है, और आपने तो इस किताब में बहुत बड़ा मसला उठाया है. इससे तो सवालों का सैलाब आ जाएगा और इसकी गिरफ्त में कई बड़े नामचीन लोग फंस जाएंगे. हे देवी माँ, आप जानती हैं कि ये लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे में दिमाग कम है. अगली बार जब हमको इस दुनिया में भेजना तो 2 दिमाग देके भेजना, ताकि एक खराब हो तो दूसरा काम आए. बीवी से घर में पिट के आए क्या? दफा हो जाए यहाँ से. हे देवी माँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हम रोडपति से करोड़पति बन जाए. जोर जबरदस्ती सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी करती हैं. खामोश हो जाइए शर्मा जी, औरत के सामने. हे देवी माँ, इस दहशत की देवी से मेरा पाला कभी ना पड़े. अरे दीपा मैडम कॉफी मांग रही है, पर लेकर कौन जाएगा? आप कह रहे हैं कि इस किताब में आपने सच्ची घटना का जिक्र किया है, कोई सबूत है आपके पास? लोग इसे क्यों पढ़ेंगे? इसमें कोई यकीन करने लायक बात है? क्या वो किताब मुझे दे सकती है? लीजिए, उसे काट दिया. आप तो कोई एतराज नहीं? एल्डोराडो क्या है आपको कुछ पता है? मतलब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड. न जाने कई सदियों से इसे सोने की सल्तनत समझकर अनगिनत राजाओं ने लालच में आकर अपनी फौजों की कुर्बानी दी, पर किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ. उसको हासिल करने वाला दुनिया का ताकतवर बादशाह होता. क्यों? हो सकता है इसमें ऐसे ही एक शख्स का जिक्र है. ये सब ख्याली नहीं, इसे साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी मौजूद है. जमीन में दफन हुआ शक्तिशिला. शक्तिशिला? दरिया के किनारे कपड़े धोने वाला कोई पत्थर नहीं, आवाम ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना डाली. उसने कुछ तो कारनामा किया होगा. वो शक्तिशिला चाहे कहीं पर भी हो, हम उसे तलाश कर ही लेंगे. जब हम देख लेंगे उस शक्तिशिला को, यकीन तभी होगा. खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना भी खर्च हो उसे ढूंढ के निकालो. जी मैम. बताइए कहाँ भेजना है, कहाँ है आपकी शक्तिशिला, कहाँ है आपका एल्डोराडो?
केजीएफ शहर से 18 मील के फासले पर बागनूर है, फिर वहाँ से बैंदूर तशरीफ ले जाना पड़ेगा, फिर बैंदूर से बैलगाड़ी में पूरब की जानिब 4 मील जाना पड़ेगा और वहाँ 40 फीट खड्डा खोदने के बाद शक्तिशिला पत्थर मिलेगा, ये लिखा है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, अपनी टीम को लेकर उस पत्थर की तलाश करो। उस्ताद की माफ सर, 3 दिन बाद हमारी शादी है, उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं। अंदर जो बैठे हैं वो बहुत बड़े नामा निगार हैं, वो कभी झूठ लिख ही नहीं सकते। सर सुनिए तो, सन 50 से सन 80 तक के लगभग सभी पेपर्स यहाँ मौजूद हैं। मैंने और भी न्यूज़पेपर्स मंगाए हैं, लेकिन किसी में भी केजीएफ के बारे में कोई खबर नहीं छपी है। चलो न्यूज़पेपर को भी छोड़िए और इस किताब को भी किनारे रखते हैं, आप ही बयां कीजिए, आपकी जुबानी सुनना है, कौन था वो आदमी, वो नायक था या खलनायक, आखिर माजरा क्या था। केजीएफ में मिला सोना बेशकीमती जरूर है, लेकिन जो हाथ उसे खोद कर बाहर निकालते हैं उनकी अपनी कहानी है। दुनिया में जब कभी भी सोना मिलता है तो इत्तफाकन मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जब काश्तकार वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें अजीबोगरीब पत्थर मिला। उसकी जांच करने के लिए सरकारी अफसरान आए, उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। उस रात दो करिश्मे हुए, वो जगह भी मिल गई और उसका रखवाला भी पैदा हो गया। पत्थर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन सोना बहुत मुश्किल से मिलता है। मगर सूर्यवर्धन को पत्थर की शक्ल में सोने की खदान मिली, उसने वहां से जमीन का एक जर्रा भी बाहर नहीं जाने दिया। मुबारक हो, तुमको सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है राजा। बिन बाप का बच्चा माँ पर बोझ होता है, हमसे शादी कर लेना। सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 बरस के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को पोशीदा रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर खुदाई करवाने लगा। 1961। बेटा, तेरी माँ की जान बचाने के लिए ये पैसे बहुत कम है। चौदह बरस में शादी, 15वें बरस में बच्चा, ता जिंदगी वो दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसे ढूंढ लिया। अपने बेटे को विरसे में देने के लिए अगर उसके पास कुछ था तो उसके आखिरी लफ्ज। लोगों को ऐसा कहते सुना है कि पैसे के बिना चैन से जीना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताता कि बिना पैसों के चैन से मरना भी दुश्वार है। मुझसे तू एक वादा कर, तू जिंदगी कैसे गुजारेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब तू इस दुनिया से जाना तो सबसे ताकतवर और रईस इंसान बनकर मरना।
पैसे 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 निकाल। पैसे नहीं है। नहीं है पैसे? तू कंगाल है? तो ये ले पैसे। ये बहुत कम पैसा है, हमको और चाहिए। ये कम है? हाथ फैलाओगे तो भीख मिलेगी और अगर हाथ उठाओगे तो लूट मिलेगी। पावर, पावर से ही पैसा आएगा। पावर? ये कहाँ मिलेगा? कामयाबी हासिल करने के लिए लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं। इसी ख्वाब के साथ उसने जद्दोजहद भरे शहर बम्बई का रुख किया। आगे यहाँ से दोबारा नजर नहीं आना। बम्बई सोने की स्मगलिंग का एक अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बम्बई के शर्टी के दरमियान हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसके पैर हालांकि छोटे थे लेकिन एक कदम सबसे आगे चलता था। ए निकल, चल तू अपना नाम बता। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बेरिया। बम्बई में बड़ा नाम रखने से कोई मशहूर नहीं होता, कारनामा बड़ा करना पड़ता है। चल निकल। पॉलिश 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 पॉलिश। सर नया जूता ले दो, अब तो फ्री है। शेट्टी है वो, सब लोग उसको सलाम मारते हैं। बम्बई का बादशाह है वो। वो इंस्पेक्टर बहुत उंगली कर रहा है, उसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। खिसक गई है क्या? इंस्पेक्टर को कौन फोड़ेगा? तू मारेगा? मारने के लिए जिगर चाहिए क्या रे? तुम लोग में जिगर है? है यहाँ कोई फौलाद की औलाद? कोई नहीं। इसको बोलते हैं शेर का बच्चा। असलम भाई मजाक कर रहे थे, चलिए ऐसे चल। उसका धंधा बंद करा देंगे। ए, रुक। और पुलिस स्टेशन में ले जाके कुटाई अलग क्या रे छोटे पटाखे। दरोगा जी का सर फोड़ दिया। क्या हुआ जनाब? फिर रुक क्यों गया? चल कम तो होते यहाँ से। वो टकले को अपना नाम ही नहीं मालूम। क्या? उसको अपना नाम बता के आते हैं। कौन है वो छोकरा? मुझे चाहिए वो। जनाब ये चल। छोकरा नहीं, अपुन का नाम रॉकी है। रॉकी भूलेगा तो नहीं ना। जनाब वो मेरा फंडर है जनाब, मैंने उसे मजाक किया था लेकिन उसने मजाक को सच में ले लिया। जनाब चिंता मत कर, हम उस छोकरे की पुलिस से बेल करवा दिए हैं। आ गया। ए, क्या हरकत क्या रहे तू? अपुन नाम कमाने गया था। वो पुलिस वाले पे हाथ क्यों उठाया? जनता को मारते तो पुलिस तलाश करती, पुलिस वाले को ही फोड़ा तो तुम्हारे जैसा डॉन तलाश करेगा। आखिर चाहता क्या है बे तू? दुनिया। माँ कसम, ये बैकग्राउंड म्यूजिक इतना नहीं ना एकदम ऐसे लंबे समय के बाद कानों पे आना बोलते ना, उस टाइप का हो गया। तो पहले 15 मिनट के अंदर अंदर ही बचपन, उसकी मम्मा, क्या हुआ कैसे हुआ, गरीबी, गरीबी में मरना कितना मुश्किल है, पैसा कितना जरूरी है, ये वो सारी चीजें हमको उस पार्ट में ही पता चला। एंड किस तरीके से उसके दिमाग में मम्मी के लास्ट शब्द छप गए जब वो छोटा सा था, एंड तब से उसने ये जो लाइन पकड़ ली, डायरेक्ट पुलिस वाले टकले को फोड़ के आया और उसको नाम नहीं पता इसलिए वापस बताने गया, ताकि नाम ही नहीं पता फायदा कैसे हो, मेरा नाम कैसे होगा फिर, तुझे क्या चाहिए तू? दुनिया। इतना सा अगर छोटा सा बच्चा ये इतनी बड़ी बातें बोल रहा है एंड एवरीथिंग, माँ कसम ये खतरनाक था। सीरियसली ये जो इंट्रोडक्शन की जो शुरुआत थी यही बड़ी खतरनाक तरीके से हुई बोलते ना,
उस तरीके का था। आई एम एक्साइटेड फॉर सीन टू, पर मुझे आपका एक्साइटमेंट पता करना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं लेके आऊंगी बाकी के सीन्स फ्रॉम केजीएफ पार्ट वन। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। तो मुझे बता देना ठीक है कमेंट सेक्शन में अगर आपको और भी पार्ट्स देखने हैं। तो बाकी परत मियाले सा बाय।